हे गाइस वेलकम बैक अगेन इन एम यू ओ क्लासेस सो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं नोट जेस के बारे में तो so, इससे पहले जो लेक्चर आया था एक अनाउंसमेंट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं नोट जेस पे सो so, किस तरीके से हम लोग नोट जीएस के साथ जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्कस होते हैं उन पर भी फोकस करेंगे जैसे कि रियाड जी हो गया रियाक्ट नेटिव हो गया मोबाइल साइड एंगुलर JS हो गया एंड React जेस के साथ नेक्स्ट जेस कैसे इन्वॉल्व करके हम नोट जेस की पे हिट कर सकते हैं सो so, मैंने आपको अनाउंसमेंट में क्लियर किया था कि जो भी जो भी ए हम कॉल करेंगे वो सारी ए हमारी खुद की ए रहेंगी जो हम नोट JS पे अभी बिल्ड कर रहे हैं सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो कम्प्लीट कोर्स देखने के लिए जिसमें हम लोग .js, Angular JS, React Native मल्टीपल चीज़ों को हम लोग नोट जेस से वन बाय वन लिंक uh, करेंगे और एट द एंड हम बनाएंगे एक ब्लॉग पोस्ट एप्लीकेशन मोबाइल पे भी ब्लॉग पोस्ट एप्लीकेशन बनेगा वेब uh, पे भी ब्लॉग पोस्ट एप्लीकेशन बनेगा एंड ब्लॉग पोस्ट एप्लीकेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हम लोग उसमें पूरा कलेक्ट कर सकते हैं राइट हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं ठीक है एडिट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं ठीक है यूज़र uh, रजिस्टर कर रहे हैं यूज़र लॉगिन कर रहे हैं जहाँ पर जे डब्ल्यू टोकन का भी हम यूज़ कर सकते हैं राइट सेशन क्रिएट कर रहे हैं काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हो गया हो जाती हैं वो हो गया लॉग आउट फीचर हो गया राइट right? सो so, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम एक एक करके सब देखेंगे बट उससे पहले नोट जेस्क की जो ए बनानी है जो सर्वर क्रिएट करना है एक्सप्रेस जेस को कैसे यूज़ करना है मोंगूस को कैसे यूज़ करना है मोंगो डी को यूज़ कैसे करना है कोई ऐसा जी जो हमको हेल्प कर पाए इन ऑर्डर टू रीड दी डेटा इन ऑर्डर टू रीड द डेटा बेस उस सब कुछ हम कवर करने वाले हैं कैसे पोस्टमैन के थ्रू ए पी आई हिट करते हैं हम एंड देन क्रॉस ऑरिजिन का कैसे यूज़ करके हम मल्टीपल डिफरेंट यू नो फ्रंट एंड फ्रेमवर्कस को कैसे नोट जेस से हम लोग लिंक करते हैं सब चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जस्ट क्विकली समझते हैं वॉट इज नोट जेस एंड मैंने आप ले पी पी टी प्रिपेयर कर लिए ये पी पी टी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने ब्लॉग में एंड ऑल्सो यू कैन मे बी फाइंड आउट इन दी मीडियम डॉट कॉम इस पूरे वीडियो का एजेंडा ये है कि हम ये समझ पाए कि नोट जे क्या होता है सो वॉट इज़ नोट जे एज नेक्स्ट स्लाइड तो अभी आप देख सकते हो इस स्लाइड पे एक साइड लिखा हुआ है फ्रंट एंड और दूसरी साइड लिखा हुआ है सर्वर साइड बैक एंड इसको अच्छे से समझते पहले जब भी मैं फ्रेमवर्क की बात करता हूँ फ्रेमवर्क से दो चीज़ें निकल के आती हैं एक फ्रेमवर्क किस लैंग्वेज पे लिखा हुआ है दूसरा उस फ्रेमवर्क का यूज़ हम कर रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं राइट right? सो so, अब सिंपल सा समझते हैं इस चीज़ को नोट जेस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम हम यूज़ करते हैं जावासकर और नोट जेस किस लैंग्वेज से लिखा गया है ये फ्रेमवर्क किस लैंग्वेज से लिखा गया है वो है सी प्लस प्लस इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको अच्छे से समझते हैं पहले कि फ़्रंट एंड और यहाँ पर सर्वर साइड बैक एंड का मतलब क्या है मैंने क्यों टेबल बनाई है इस तरीके से गूगल पे सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आपको कई सारा ऐसा कंटेंट मिलता है कई सारे ऐसे ब्लॉग पोस्ट मिलते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए यूज़ करी जाती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है अब आप सोचते होंगे कि यार जावा स्क्रिप्ट नोट जेस ये तो सर्वर साइड है अब आप कैसे कह सकते हो कि क्लाइंट साइड है ये तो सर्वर साइड भी हो सकती है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो से और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको बहुत कम लोग समझाएंगे ये कि जावा स्क्रिप्ट एंड नोट जेस और ये सारा कुछ एक जो रिलेशन है वो कैसे बिल्ड हो रहा है अगर ये सिर्फ और सिर्फ जावा हम क्लाइंट साइड यूज़ कर सकते हैं तो ये सर्वर साइड पे कैसे सपोर्ट हमको मिल रहा है राइट तो ये सब हम चीज़ समझने वाले हैं तो अब स्टार्ट करते हैं देखिए अब जावा की जब बात करते हैं तो जावा हमेशा क्लाइंट साइड यूज़ करी जाती है राइट क्योंकि ये क्लाइंट साइड सपोर्ट दे सकती है नेक्स्ट सर्वर साइड की बात करते हैं तो अब आप बोल रहे हो भाई जावा स्क्रिप्ट तो हम यूज़ कर रहे हैं नोट जीएस का यूज़ करके सर्वर साइड पर तो वो कैसे हो पा रहा है वो नोट JS के थ्रू हो पा रहा है नोट JS प्लस जावर स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप सर्वर साइड मतलब कि बैकएंड एंड ए पी क्रिएट कर सकते हैं मतलब कोर सी को एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट आगे समझते हैं इसको कैसे कैसे राइट right? सो so, अब नेक्स्ट चलते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीन है जिसको बोल सकते हैं कंप्यूटर मशीन कंप्यूटर क्या समझता है कंप्यूटर समझता है मशीन कोड तो मशीन कोड समझना एक ह्यूमन के लिए इट इज़ वेरी टफ़ राइट सो मशीन कोड के ऊपर हमने बनाया असेंबली लैंग्वेज बट अगेन असेंबली लैंग्वेज भी बहुत टफ थी तो उसके ऊपर हमने बनाया एक लैंग्वेज अब वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है वो सी प्लस प्लस हो सकती है जावा हो सकती है और और भी अदर लैंग्वेज हो सकती हैं जो सी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हैं तो अब क्या हुआ सी प्लस प्लस आई C++ भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थी जिसको आ, हम हाई लेवल यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे तो इसलिए हमने क्या किया हमने C++ के ऊपर भी मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बनाई जावा स्क्रिप्ट अब जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर मशीन कोड में डायरेक्टली खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकता तो अब क्या कर सकते हैं अब देखिए समझने वाली बात है यहाँ पर कि जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट डायरेक्टली रन ऑन कंप्यूटर्स जो कि मैंने बता दिया आपको कैन रन ऑन ब्राउजर्स अब समझिए जब भी हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की तो हम बात कर रहे हैं ब्राउजर्स की ऑलवेज रिमेंबर दिस सो अब अब बात आती है यहाँ पर v8 एट इंजन की तो so, ये जो ब्राउजर्स होते हैं क्रोम ब्राउजर्स होते हैं ये v8 एट इंजन पर आधारित होते हैं मतलब कि इनमें एक v8 एट इंजन होता है अब v8 एट इंजन जो है वो c++ में लिखा हुआ है अब अगेन इसको अच्छे से समझते हैं जब नोट जेस की हम बात करते हैं किसी नोट जेस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो नोट जेस क्या करता है वो जावा स्क्रिप्ट का जो सोर्स कोड होता है आपने लिखा होता है नोट जेस के अंदर नोट जेस क्या करता है जावा स्क्रिप्ट का जो सोर्स कोड आपने लिखा हुआ है उस सोर्स कोड को उठाता है वो क्रोम वी एट इंजन को दे देता है अब क्रोम वीएट इंजन लिखा होता है सी प्लस प्लस में तो क्या होता है कि ये क्रोम वी एट इंजन ये डेटा को ये सोर्स कोड को पार्स करता है ये कन्वर्ट करता है एएसटी में ए एस टी मीन्स एब्सट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री इसके बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है इसके बाद ये होता है मशीन कोड में कन्वर्ट एंड देन वो कोड सी पी यू पे रन होता है राइट अब इसको अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से अब देखिए V8 इंजन लिखा है C++ में नोट जे लिखा है C++ में अच्छे से समझते हैं फिर से अब एक कंप्यूटर था जो मशीन कोड समझ सकता था तो हमने असेंबली लैंग्वेज लिखी असेंबली लैंग्वेज भी क्रिटिकल थी हमने C++ लिखी C++ भी क्रिटिकल थी तो हमने उसके ऊपर बना दिया नोट जे अब नोट जेएस एक फ्रेमवर्क है अब नोट जेस क्या करता है सारा सोर्स कोड आपका उठाता है जो जावा में आपने लिखा है वो क्रोम वीएट इंजन को मिल जाता है अब इसको अच्छे से समझते हैं अगेन समझा रहा हूं तो आपने लिखा जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो नोट जेस को मिलेगा नोट जेस क्या करेगा उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ वीएट इंजन अब ये कैसे काम करता है क्लाइंट की बात करते हैं क्लाइंट मतलब होता है एक यूआई एक ऐसा ब्राउजर जहां पर आप अपना यू दिखा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए जो यू दिखा रहे हैं जिसके थ्रू आपका जो यूजर है क्लाइंट है वो इंटरेक्ट करेगा अब ब्राउज़र्स पे जो यू आपकी दिख रही है वो यू किसके थ्रू बनेगी या तो डायरेक्टली आप एस्टिमल सीजे से बनाइए अब डायरेक्टली एच टी तो क्रिटिकल होता है अब इसको अच्छे से नहीं समझते हैं अब इसको समझने बैठ गए तो बहुत टाइम निकल जाएगा कि हम लोग फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं ओवर ऑन एच टी एम एल सी एस एस एंड अदर थिंग्स राइट सो हमारे पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जैसे कि फॉर रेड जे एस और वो एंगलर जे हो सकता है या व्यू जे हो सकता है नेक्स्ट जेस हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए रियड जे है राइट right? अब यूज़र ने क्या किया रियड जे का वेब ओपन किया जहाँ पर यू दिखी वहाँ पर मे भी हो सकता है कि लॉग पेज दिख रहा है लॉग पेज पर उसने यूजर नेम भरा पासवर्ड फिल किया यूजर नेम फिल किया पासवर्ड फिल किया एंड उसने लॉग इन बटन पर क्लिक किया जैसे ही लॉग इन बटन पर क्लिक किया क्लाइंट साइट जो भी आपने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करी है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी आइडेंटिफाई होगी एंड अब डिपेंड करता है कि उसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है कि नहीं करना है जो भी आपने बिजनेस लॉजिक लिखा है सर्वर साइड पे मतलब नोट जेस एंड पे या नोट जे या पीएचपी या जावा किसी भी फ्रेमवर्क का आप यूज़ कर सकते हैं बट अभी हम बात कर रहे हैं नोट जेस फ्रेमवर्क की तो इसी तरीके से यहाँ पर जो सर्वर है वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क पर लिखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए नोट जी एस पे लिखा हुआ है तो वो रिक्वेस्ट लेगा प्रोसेस करेगा डेटाबेस में जो भी एंट्रीज डालना होगा या जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगा इंसर्ट करेगा रिक्वेस्ट करेगा वहाँ से डेटा लेगा एंड देन वो आपको वापस क्लाइंट साइड पे भेजेगा जिससे कि क्लाइंट ये देख पाए कि हाँ उसने लॉग इन बटन पर क्लिक किया है अब डैशबोर्ड ओपन हो रहा है डैशबोर्ड का जो कंटेंट है वो थ्रू दी ए पी उसको मिला है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने लॉग इन पर जो यूज़र नेम फिल किया था उसको वो चेक करके जाकर डेटाबेस में कि हाँ भाई इस नाम का यूज़र है कि नहीं अगर नहीं है तो वो रजिस्टर करने के लिए बोलेगा अगर है तो डेटाबेस में जाकर राइट साइड या कहीं पर भी वो अपना नाम दिखाएगा फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि राइट साइड टॉप पर आपका नाम दिखना चाहिए यूज़र का नाम दिखना चाहिए तो वो यूज़र नेम की जो डिटेल होगी वो फैच करके बेसिकली डेटाबेस से सर्वर आपको देगा राइट right? सो so, इस तरीके से काम करता है दिस इज वर्क फ्लो अब हम नोट जेस यूज क्यों करें भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोट जेस यूज क्यों करें सो so, नोटेस क्या करता है मेक्स इट इजी टू गेट स्टार्टेड विद डेवलपमेंट अब अगर नोट जावा यूज करिए इस जगह पे, जावा में एक एपीआई जो आप लिखेंगे वो आपका बहुत टाइम ले जाएगा लेकिन नोट जेस में इट इज़ वेरी क्विक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा कि कैसे सर्वर बनाते हैं फिर हम समझेंगे कि कैसे एपीआई बनाते हैं लॉग इन ए रजिस्ट्रेशन एपीआई और बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं आप खुद देखेंगे कि इट इज़ वेरी ईजी टू तो क्रिएट दिस सर्वर्स एन ए नेक्स्ट टाइम पर आप देख सकते हो कितना सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पर कि विद इन अ मिनट ये आपको एक हेलो वर्ल्ड की ए पी रिटर्न कर सकता है और ये सर्वर बड़ा आसानी से क्रिएट कर सकता है राइट सो इट इज़ वेरी ईजी अब ये नेक्स्ट लाइन पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि दिस रन टाइम इन्वायरमेंट इज आल्सो एन आइडियल चॉइस फॉर डेवलपर्स हु इज कंस्ट्रक्टिंग माइक्रो सर्विस इन्वॉयरमेंट सिंस दे लिंक मल्टीपल एपीआई टुगेदर अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बड़ा प्रोडक्ट है जिसके लिए हम एपीआईस बना रहे हैं अब हम अगर हम बड़ी बड़ी एपीआई बनाएंगे जिसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज होंगी इन साइड दी एपीआई ओनली देर देर आ नो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच तब वहां पर उसको मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा मे बी वो ज्यादा टाइम भी लेंगी तो इसलिए हम क्या करते हैं हम माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं तो फटाफट समझते हैं इफ यू नो जावावर्ज स्क्रिप्ट देन इट इज़ वेरी इजी टू वर्क ऑन फ्रंट एंड एंड द बैक एंड पार्ट आल्सो अब आप समझिए जावास स्क्रिप्ट पर आधारित है ये इट इज डिपेंडिंग ऑन द जावा स्क्रिप्ट ऑन जावा स्क्रिप्ट तो जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप फ्रंट एंड पे भी काम कर सकते हैं नोट जेट पर भी काम कर सकते हैं बड़ी ईजिली तरीके से थर्ड पार्टी सपोर्ट बहुत तगड़ा है आप एनपीएम पी एम भी आ सकते हैं एनपीएम पे चेक कर सकते हैं एनपीएम पे इतने सारे इसके लाइब्रेरीज अवेलेबल है इतने सारे सपोर्ट्स अवेलेबल है कि आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड एंड ऑल्सो बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो कि बहुत सारा पोस्ट करते हैं uh, तो कोई इशू जैसे आपको आया तो आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं लाइक अदर फ्रेम लाइक सिमिलरली इन दिस फ्रेमवर्क ऑल्सो इफ यू विल सर्च एनी थी इन टू गूगल यू विल गेट इट बिकॉज बहुत सारे लोग इस पर काम, काम कर रहे हैं बहुत सारे डेवलपर्स कम्युनिटी इस पर लगातार काम कर रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है आज की डेट पर नेक्स्ट आते हैं आपको इंस्टॉल करना है क्या नोट जेस इन योर सिस्टम हाउ टू डू दैट सो उसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप नोट जेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे एंड फिर हम समझेंगे कैसे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं कैसे ए बना सकते हैं कैसे एक्सप्रेस जेट यूज कर सकते हैं स्लोली स्लोली हम समझेंगे हर एक चीज इन गुड जॉयस अगर तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जैसे कि वो भी सीख पाए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग